क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया है कि आपके पति, प्रेमी, दोस्त या भाई का मूड मंथ में एक बार जरूर ऐसा होता है जैसा आपका मूड पीरियड्स के टाइम पर स्विंग करता है? अगर आपने अभी तक इस बात पर गौर नहीं किया है तो जरूर करें, और अगर ध्यान दिया है तो इसकी वजह जान लें। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। अगर आपको लग रहा है कि हम पुरुषों को होने वाली किन्हीं सीक्रेट पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि पीरियड्स में होने वाली तकलीफों का पुरुषों ने कभी अनुभव नहीं किया होता। पुरुषों में PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम जैसे बदलाव होने का कारण होता है एक खास तरह का सिंड्रोम जिसे मेन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यह है इरिटेबल मेल सिंड्रोम, जिसमें पुरुषों को उसी तरह से मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है जैसा महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होता है। इस दौरान पुरुष मूडी हो जाते हैं। IMS यानी इरिटेबल मेल सिंड्रोम को हाइपर सेंसिटिविटी की तरह समझा जा सकता है। इस दौरान पुरुषों के व्यवहार में कुछ हद तक अवसाद यानी डिप्रेशन के लक्षण, तनाव, चिंता और गुस्सा दिखाई देता है, और इन सबके पीछे मुख्य कारण होता है बायोकेमिकल चेंजेस। IMS के दौरान पुरुषों के हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है, उन पर तनाव हावी होता है और उनकी बातों के साथ ही व्यवहार में भी खुद की पहचान को लेकर चिंता दिखाई पड़ती है। ये सब मूड के कारण ही होता है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के अनुसार IMS घबराहट भरे व्यवहार की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद ये नहीं समझ पा रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो इरिटेबल, थकान और डिप्रेशन महसूस करता है। इसकी मुख्य वजह मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर आपको लगता है कि आपके पति, फ्रेंड या भाई का मूड लगातार गड़बड़ बना हुआ है तो उन्हें टीज करने की जगह उनसे बात करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपकी पकड़ या पहुंच से बाहर है, ऐसे में आपको किसी मेडिकल सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति काफ़ी कम होती है। आप उनकी पसंदीदा डिश खिलाकर, उनके साथ वक्त बिताकर, उन्हें स्पेशल फील कराकर उनका दिन बना सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे स्वरमय टाइम्स का कार्यक्रम विशेष।